हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज किस नई वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूँ कि जैसे किसी मोबाइल की सिम को किसी भी सिम में कन्वर्ट कराना हो, जैसे कि वोडाफोन का सिम हो या जियो में, एयरटेल, किसी भी कंपनी में पोर्ट कराना हो तो उसको पोर्ट कराते हैं जैसे, तो वो पोर्ट क्यों नहीं होता है। 36 से 72 घंटे में वो पोर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि किसी किसी का सिम पोर्ट नहीं होता है। सो जैसे जिसका जिसका सिम पोर्ट नहीं होता उस सिम को फिर क्या करना चाहिए और किस तरीके से उसको चालू करना चाहिए, जैसे कि अगर दुकान पर नहीं जाना है कि दुकान दूर है शॉप, जिस शॉप से आप उस सिम को लिए हो, एंड अगर आपको उस सिम को चालू करना है बिना शॉप पे जाने से पहले, और आपको इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको चालू करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। एंड गाइज, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्यूचर में आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिससे नॉलेज मिल सके कि आप अपने सिम को कैसे चालू कर सको। तो बस सबसे पहले हम यहाँ पर जाके कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। ऑपरेटर सर्विस नंबर इंडिया के सबसे तेज 4G द्वारा सत्यापित तथा इंटरनेट सुविधा इस्तेमाल करे के समाप्त हो चुका। सो हेलो गाइस, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप किसी सिम को किसी कंपनी के सिम में आप कन्वर्ट कराते हैं, जैसे एयरटेल का सिम है वोडाफोन में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या वोडाफोन का सिम है एयरटेल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जैसे कि आपने कन्वर्ट कराया। एंड गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उनके विलेज में जैसे कुछ उनके फ्रेंड होते हैं या अदरवाइज जो होते हैं, सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं सिम को कन्वर्ट करने के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि किसी भी सिम को किसी भी सिम में कन्वर्ट कराना होती है, एक मंथ की अनलिमिटेड पैक मिल जाती है। इस कार्ड से कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा के एक एक मंथ के सिम में कन्वर्ट कराते हैं, एक एक मंथ के रिचार्ज पाने के लिए। तो एक आधार पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का सिम, 9 सिम निकलता है एक आधार पर लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। चाहे आप उसको 10 दिन में निकलवा लो, चाहे उसको आप 5 दिन में निकलवा लो, बट गाइज एक दिन में सिर्फ आपका 2 सिम निकलेगा एक कंपनी का। बट गाइज वहाँ पे आप निकलवा लेते हो अगर 9 सिम, तो उसके बाद लाइफ टाइम में आपके आधार कार्ड पर उस कंपनी का सिम दोबारा आपके आधार कार्ड पर नहीं निकलेगा अगर 9 सिम आप निकलवा लेते हैं। बट गाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हो गया आपने सिम उसको लिया और काम नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि गांव के हो गए, विलेज के हो गए, तो आपसे पैसा लेके उसको क्लोज कर देते हैं, मतलब कि कैंसिल कर देते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह का हुआ दूसरे मोबाइल में, जो स्लिप मैंने आपको वीडियो को दिखाना चाहता था। एंड गाइस वो स्लिप क्या हो गई कि मेरे मोबाइल का स्टोरेज भरना शुरू हो गया था, तो मैंने थोड़ा कुछ वीडियोज़ की स्लिप, मतलब कुछ वीडियोज़ थे उसको मैंने डिलीट करना चाहा, तो उसी के साथ में वो भी वीडियो की स्लिप डिलीट हो गई। इस कार्ड से आपको गाइस वो लाइफ प्रूफ जो बात हुई कस्टमर केयर से आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन गाइस जो जो उसने बताया वो मैं आपको समझा दूंगा। हुआ क्या कि मैंने कस्टमर केयर के पास कॉल की, तो जिसका सिम था वो तो दूसरे का सिम था, तो गाइस उसने पूछा कि आपने सिम को कब कन्वर्ट कराया था, कि 12 फरवरी को वो सिम कन्वर्ट कराया गया था। एंड गाइस बाद में उसके बाद कुछ देर बाद वो कैंसिल कर दिया गया था, मतलब कन्वर्टिंग, मतलब कि जो सिम पोस्टपेड करा किया गया था वो सिम फिर कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपेड नहीं हुआ, इस कार्ड से वो सिम चालू नहीं हुआ 72 घंटे बाद, जो कि 72 घंटे बाद उससे चालू हो जाना था। चालू तभी होता जब वो कन्वर्ट हो जाता, लेकिन पोस्टपेड हो जाता, लेकिन पोस्ट नहीं हुआ वो एयरटेल में, इस कार्ड से वो सिम चालू नहीं हुआ। गाइस कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि सिम को कैंसिल कर देते हैं या कैंसिल हो जाता है, अब जो हुआ होगा उनके साथ वो अब उनसे पूछ कर ही करेंगे। एंड गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको नॉलेजफुल
एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो में। तो वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो में कमेंट करना, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। एंड गाइस, ऐसे वीडियोज़ में आपको हमेशा रेगुलर टेक कैटेगरी वीडियोज़ बना के ला के देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे इस चैनल पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।